Prakashji, thank you so much for being with us. I'm happy to tell you that, you know, as you are joining us, we are continuing to see pictures from literally dozens and dozens of schools across the country. Children who are spending Gandhi Jayanti or spending their Sunday out there cleaning up their locality, cleaning up the areas, and sending us pictures for that. And that really shows us that if we can influence the young and if we can influence people, maybe put cleanliness onto the school curriculum, that's really perhaps a long-term solution. Absolutely so. Vikram, मैं तो ये कहूंगा, अभी मैं एक कार्यक्रम करके आया हूं कलकत्ता में, केंद्रीय विद्यालय के छात्रों को लेकर, उन्हीं के स्कूल के सामने वाला एक पैच लिया हमने, जहां बहुत प्लास्टिक गंदगी पड़ी थी, तो हमने सारा प्लास्टिक उठाया। मैंने ये काम पिछले दो साल से लगातार कर रहा हूं। पुणे शहर में 2 लाख छात्रों ने, 1200 कॉलेज और स्कूल के छात्रों ने अपने स्कूल और कॉलेज के परिसर में घूमकर केवल प्लास्टिक इकट्ठा किया, तो 100 टन प्लास्टिक 2 घंटे में जमा हुआ। वाओ, इतना बहुत ज्यादा प्लास्टिक की गंदगी होती है। सो दैट्स वेयर एज एन एनवायरमेंट मिनिस्टर वी रिवैम्प्ड ऑल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल, एंड मोर इंपॉर्टेंटली कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल। हमें अगर प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई जीतनी है, हमें अगर टूरिज्म बढ़ाना है, हमें अगर स्वास्थ्य ठीक करना है, तो उसकी एक ही चाबी है, स्वच्छता। और इसलिए मोदी जी ने जब विषय उठाया स्वच्छ भारत का, तो ये इतना जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया और आप जैसे मीडिया पार्टनर्स भी अब उसमें आ गए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया और स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। और हमारे सरकार का सबसे पॉपुलर कार्यक्रम अगर कोई है, लोकप्रिय कार्यक्रम कोई है, तो ये सबसे ज्यादा है। इसमें लोग करने वाले हैं और सरकार ने जो रिवैम्पिंग ऑफ द होल म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, ग्राम पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज नाउ रिस्पॉन्सिबल। The notification is made and therefore it is justiciable. If some corporation or somebody fails, anybody can approach NGT. So that is how things will happen on one side. But more importantly, मुझे जो महत्वपूर्ण लगता है कि लोग सहभागिता कर रहे हैं। अब मैंने 3-4 गांव में प्रयोग किया, वो गांव प्लास्टिक मुक्त हो गया, यानी प्लास्टिक कचरा मुक्त हो गया। प्लास्टिक बुरा नहीं है, प्लास्टिक अगर सही तरीके से इकट्ठा नहीं किया तो वो गलत होता है। और इसलिए लोगों ने प्लास्टिक अगर कहीं पड़ा तो घर से छात्र निकलते हैं स्कूल तक, और स्कूल से घर जाने तक वो रास्ते में प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं अगर कहीं दिखा तो। घर में आप पेरेंट्स को भी डिसिप्लिन छात्र दिखा रहे, तो ये एक नया जागृति है। और इसको जैसे आपने कहा कि स्कूल करिकुलम का हिस्सा बनेगा स्वच्छता, और कॉलेजों में भी ये जागरूकता कंटिन्यूअस करनी है। विदेश अच्छे लगते हैं क्योंकि वो साफ सुथरे हैं जी। हमारा देश तो उससे भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम गंदगी रखते हैं। ओके प्रकाश जी, ये कार्यक्रम प्रकाश जी, अमित जी, अमित जी एंड प्रसून बोथ हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आई ऑल्सो डू वांट टू वेलकम आनंद महिंद्रा हुज जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम, विल बी गोइंग अक्रॉस टू हिम एज वेल to talk about what various corporates are saying, but I'm just going to wait before I come to that. Prasoon, you had something to say, and then Amit ji, and then we'll hear. Prakash ji, namaskar, Prasoon Joshi bol raha hu. Aapne Swachh Bharat ka irada ka zikr kiya. Ji, Prasoon ji, Prasoon ji. Hum log ne ye ek prarthna ke roop mein bhi kiya tha. Wo gana aapne hi likha hai. Ji, ji, ji. Main ye chah raha tha, aapki jo ab jis shikhar par aap hai aur jo aapki responsibilities hain usme, ye hum logon ne us waqt bhi socha tha ki ye school ke pathyakram ka hissa ye geet ko banaya jaye, is pe kuch ho sakta hai ki ye unme sanskar banane ke liye is tarah ki morning prayer ek swachhta ki introduce ki jaye schoolon mein। Amit ji, aapke paas bhi ek sawal hai। Prakash ji, main Amitabh Bachchan। Acha sujhav hai,
अमित जी भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। प्रसून जी जैसे कह रहे थे कि ये एक स्कूलों वगैरह में एक अभियान, एक प्रार्थना हो, क्या करिकुलम जो है, पढ़ाई का जो करिकुलम है, उसमें एक सिविक सेंस करके कोई एक कार्यक्रम हो या कोई एक सब्जेक्ट बन जाए, स्वच्छता को लेकर के कोई एक सब्जेक्ट बन जाए जो सिखाए लोगों को, एक सब्जेक्ट हो जिसमें मार्क्स दिए जाए। देखो विषय अन्य सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश वगैरह सब होता है, इसी तरह एक सिविक सेंस का एक सब्जेक्ट अगर। अमित जी आपने सही फरमाया बिल्कुल कि विषय का ज्ञान एक होता है, लेकिन अच्छा आदमी का, अच्छा इंसान तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य होता है, और अच्छा इंसान में ये अच्छी आदतें और एक सिविक सेंस, दूसरे के प्रति आत्मीय भाव होना, दूसरे के प्रति संवेदनशील होना और हमारे परिसर को साफ सुथरा रखना, देश के प्रति हमारा कोई उत्तरदायित्व है ये समझना, मैं मानता हूँ। और जैसे सभी मजहब सिखाते भाईचारा, सत्य बोलो, अहिंसा, तो वही मानवता के मूल्य है। ये सब एक शिक्षा का बेहद अहम हिस्सा होना ही चाहिए, और इसका जो अभी है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उसको ज्यादा महत्व दिया जाएगा, ये मैं निश्चित कहूंगा। जी धन्यवाद। ठीक है प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ थे, एंड वी कंटिन्यू टू होप, बहुत धन्यवाद, दैट क्लीनिनेस, स्वच्छता विल बी पुट इनटू द स्कूल करिकुलम, बिकॉज चिल्ड्रन नीड टू बी टॉट दिस फ्रॉम नर्सरी स्कूल, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर, दिस शुड बी टोल्ड, यू कांट पास एग्जामिनेशंस अनलेस यू नो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू कीप योर एनवायरमेंट क्लीन, एंड लेट्स होप दैट मैसेज रियली गोस थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।